भैया रो राम राम, हमें बुंदेली चुगली से वेदराज नीरज। पेट नरम, पाँव गरम और सर राय ठंडो, और घर में आए रोग तो ईखा मारो डंडो। हम इसे कह रहे हैं कि काय से पहले हुक्का रात तो कि आज दिन को पाँव रात तो गरम, सो पेट रात तो नरम, पेट रात तो नरम सो मूड रात तो ठंडो। लेकिन अब क्या होगा कि आदमी के संगे उल्टो होगा, पाँव रान लगे ठंडे, पेट लाल रान लगो कड़क और मूड रान लगो गरम। सो यही में आदमी की ना सफाई जा रही है, लगरिया लग जा रहा हूँ कि पूरी सेहत में। सो हमें मजबूर होने और काय हमें अकेला ने बुंदेली चुगली बनाने आई कि हमें चोरी जुआ धोखा दगा हत्या बलात्कार जे खबरें दिखाएं। इसे देख के समाज कछु सीखे ना बल्कि बिगड़े। सो यही से बुंदेली चुगली कछु नव नव के हम बता देंगे चैनल पत्रकारिता का होते हैं और आदमी इनके का काम यहाँ है ई के लाने हमने चीज़ें शुरू करी। सो जो हम सेहत को लगातार दूसरे हफ्ता ई बार आए हो नौ खजाना सेहत को कैसो रहे आदमी के लाने ई के हम चर्चा कर रहे हैं। तो भैया जब बसंत ऋतु लग गई और बसंत ऋतु में का कैसी चीज़ें हमारे वेद पुराण में आई हैं किताबन में आई हैं इन चीज़ों के लेके हम बात कर लें। ऋतुचर्या भी दिनचर्या उस हिसाब से ढलत है ढाली जात है तो कैसी रहो चाहिए आदमी इनके का सावधानी रखो चाहिए ई की हम बात कर ले रहे। स्वास्थ्य को कहा है ऋतुअल से भैया बहुत हिसाब किताब रात है, ऋतुचर्या बहुत जरूरी है जीवन में जो एक मानने वाली चीज़ है। तो ऋतुचर्या जैसे शरद ऋतु आत है, ग्रीष्म ऋतु आत है, शिशिर ऋतु आत है, बसंत ऋतु आत है, हेमंत ऋतु आत है, छह ऋतु अपने कहते हैं मुख्य रूप से, उनमें से बसंत ऋतु अब शुरू हो गई। और ग्रीष्म और शीत ऋतु मतलब गर्मी और सर्दी के बीच की जो ऋतु होते हैं वह बसंत ऋतु होते हैं। इस समय ना ज़्यादा सर्दी पड़त ना ज़्यादा गर्मी पड़त, अच्छा मौसम रात है और बसंत के ऋतु राज भी कहो जाए, ऋतुवन को राजा भी कहो जाए, तो इतना अच्छा रात है कहा प्रकृति को परिवर्तन को समय भी यही समय होते है। तो बसंत ऋतु दो दिन पहले बसंत पंचमी, तीन दिन पहले मनाई गई थी, बसंत पंचमी के बाद जब बसंत ऋतु शुरू हो गई। तो अभी बसंत ऋतु में स्वास्थ्य के हिसाब से पंचतत्व के शरीर के हिसाब से ही किराने का जरूरी चीज़ें जो वेद पुराण में लिखे हैं, हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं देखी भी हैं किताबन में। तो ई ऋतु में सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ है जो हमें आहार विहार जो रहो चाहिए उनको बड़ा संतुलन रहो चाहिए जीवन में। और ई के लाने का है पौष्टिक और गरिष्ठ जो पदार्थ हैं धीरे धीरे जो कम कर दो चाहिए इस समय खावो, काय से गर्मी जैसी जैसी बात जो है तो जे सुपाच्य नहीं रहा और सुपाच्य आहार ले वो शुरू कर दो चाहिए जो ई में राव है। चरक जो ऋषि आते चरक संहिता के अनुसार भी जो चीज़ है कि ऋतु में भारी खाना, चिकनाई वालों खाना, खट्टो मीठे पदार्थों को सेवन ना करो चाहिए। दिन में सो वो भी ई में वर्जित रहते, दिन में बसंत ऋतु में सो ना चाहिए आदमी ने, आदि का खर्राटे मारा था खुरखुरान लगा ऐसा ना करो चाहिए। रात सोबे के लाने तो भैया सो और दिन जगवे के लाने तो जगो। ई ऋतु में जो रहते कसो कस किस किस वालों कांसे की बासन वालों खाना वो अगर वो जैसे कांसे की टाठी में का खाना रख के तो उनको जो सेहत के लाने बहुत असर पड़ा था। कांसे की टाठी में आदमी पहले खाना खा तो कांसे के लोटा में पानी पिए तो उनमें अगर इस ऋतु में भोजन करे तो आदमी के लाने थोड़ा सा अच्छा रहा था। सुबह वायु को सेवन घूमने के लाने बता होगा कि अगर सुबह हवा ठंडी हवा में घूमे मंद मंद पवन जो चले थे उनमें अगर घूमे तो बहुत अच्छा मानो गए हैं। और एक चीज़ और भी में है कि जो 15 से 20 नीम की जो नीम की पत्ती होती 15 से 20 नई कोप लें जो चबा चबा के अगर खाओ और साल भर खाए आदमी तो ई के प्रयोग से ना तो आदमी के चर्म रोग होते रक्त के विकार भी नहीं होते हो, बुखार तो बिल्कुल नहीं चढ़ा भाग जा बिल्कुल। तो एक जाय एक अच्छी है आहार विहार ई ऋतु में बहुत व्यवस्थित आदमी के करो चाहिए, इनको पालन भी करो चाहिए। उपटन कर वो तेल मालिश धूप सेक वो हल्के पानी से स्नान कर योगासन हल्को व्यायाम कर वो भी ई ऋतु में अच्छे फलदायक हो शरीर के लाने ठीक हो। देर तक जरूर न सो चाहिए नहीं तो आदमी की कब्जियत उल्टी सीधी चीज़ें हो सकती हैं आँखन के भी रोग हो सकते सब चीज़ें दिक्कत होती। इसके अलावा आदमी अगर कब्जे से मुक्ति के लाने का चुकी है तो ऊपर भी आदमी के विचार को चाहिए कब्जे ना बने इसके लाने पूरे उपाय हो आहार विहार उस हिसाब से खान पान हो तो आदमी ठीक है सीजनी फल चीज़ें खाएं फल फूल खाएं तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं कि एक रोग के लेके हमें बात करी थी हर हम अपने उम्र कार्यक्रम में एक रोग की बात करें उसके बारे में बताएं। सो हमें कुछ चीज़ तलाश ये है कि देखो का कर वो जरूरी है ऋतुअन को हम ऋतु के हिसाब से सब चीज़ें बताई जे हैं
कहा से देखो अब चुगली बाबा का भैंस बाबा बन गए तो हम तो तुम्हें बीमार से स्वस्थ करके छोड़ भी हम ना रोक भी देखो जो मान के चलिए बस थोड़ा सा हम जो जरूर बता रहे कि बेग रोकने नहीं है जीवन में, चाहे वायु को बेगो पेट में पाद हुआ तो फर्र से पाद तो बेग ना रोको, पेशाब आए तो पेशाब को बिल्कुल बेग ना रोको और टट्टी आए तो टट्टी को बेग ना रोको। कहा से बेग रोको प्राकृतिक रूप से तो ये कहूँ ना कहूँ आदमी के रोग है आमंत्रण को खाना बना तो रोगन के न्यो तो देते हो चूल से न्यो तो दे जी भैया। तो बेग जीवन में नहीं रोकना, चाहे भूख को बेग हो बिल्कुल नहीं रोकना, प्यास को बेग हो बिल्कुल नहीं रोकना, खांसी हो तो तुम जो खांसी भी नहीं रोकनी तो खांसी से रोग को वैसे भी रोग हो जाता आदमी के अंदर, हमें देख की चीजें थी। तो कुल प्रकार के जो रोग होने लगा तो बेग नहीं रोकना, कछु हो भूख लगा बिल्कुल छींका बिल्कुल जो प्राकृतिक रूप से शरीर में कोई भी हलचल हो वो बिल्कुल नहीं रोक रहे, वो बिल्कुल अपने ऊपर छोड़ दो, उनको जो उनकी प्रक्रिया है वो पूरी करो चाहिए। आखन को रोग सबसे हम इंद्रियन की बात करें, इंद्रिय शरीर के जीवन शरीर जो है जो सूक्ष्म शरीर की बात करें और चाहे पूरे शरीर की बात करें, आँखें जो इंद्रिय हैं आँखें सबसे बड़ी बाह है, बड़ी इंद्रिय मानी जाती है। इस संसार के दुनिया के देख रहे को सुख है इंद्रियन और आँखन से है, लेकिन आदमी मोबाइल में घुसो जा रहा मरो जा रहा आंखें अपनी फोड़े ले रहा हूँ। शिशु जब माँ के पेट में होते गर्भ में हो तो छठवें महीने में उनकी आंखें बनती हैं, पूरी एक महीने से लेकर नौ महीने तक बच्चा बनने की प्रक्रिया होते है और छठवें महीने में आंखें बनती हैं बच्चा की। और बच्चा की जब आंखें बनती हो इस समय अगर मेरा पोस्टर भोजन जैसे चीज़ें छोड़ दें कछु कमी कर देती तो बच्चा आंध्रे पैदा हो या फिर चश्मे से पैदा हो चश्मा लगा तो ना आंखन से नेत्र ज्योति से बड़े कमजोर होते और नहीं होता अगर स्वस्थ हो तो आजकल आदमी तो टीवी में मर जा रहा हो मोबाइल मर जा रहा हो तो आँखन के रोग ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम आँखन के रोगन की बात कर रहे हैं कि आँखन को अगर रोग हो नेत्र ज्योति बढ़ावे की बात हो तो हमारे लाने कुछ प्रयोग हमारी किताबों में लिखे हैं। पहला प्रयोग है ई के लाने त्रिफला चूर्ण होते कम से कम दो घंटा पानी में भिगो के ये छानो, इसे आँखें धोवे से नेत्र ज्योति आदमी की बढ़ती है। एक जलनेती भी होते हैं अपने आयुर्वेद में, जलनेती करने से भी नेत्र ज्योति बढ़ते हैं। आदमी का है कि नाक कान आँख के जो पूरे रोग हैं ये नेत्र ये जो होते हैं सूतनीति और जलनेती इसे आदमी की रोग दूर हो जाता है। आँखन का बहुत ज़्यादा प्रयोग प्रभाव पड़ता है। रतौंधी जैसे कछुए ने क्या है कि रात में ना देखा है उन्हें कम देखा तो ऊके लाने भी एक प्रयोग है। बेलपत होत 20 से 50 मिलीलीटर रस होता है जो बेल को आखन की में 5 बूंद डारवे से रतौंधी के आराम मिलता है आदमी के। ऐसे श्यामा तुलसी हो दो के पत्ता जो होते हैं ई को 2-2 बूंद रस और 14 दिन तक आखन में डालवे से रतौंधी के लाभ मिलते भैया। तीसरा प्रयोग और है 1-2 ग्राम मिश्री और जीरे 2-5 ग्राम गैया के घी के संगे खावे से और पीपर को छाज में घिस के खावे से ये भी फायदा होता है रतौंधी के लाने। जीरा हो तो जीरा और आंवला कपास के पत्तन के एक बराबर मात्रा में लेके पीस के सिर पे 14 दिन तक की पट्टी बांधो तो भैया रतौंधी दूर हो जाए, आंध्रे से आँख की ज्योति बढ़ जाए। और एक और तो लार सवेरे की होते हैं और सवेरे सवेरे उठ के लार निकाल के आँखन में काजल जैसे लगाओ तो मोटो से मोटो चश्मा आदि को उतर जाते हैं। आँखन में अगर पीलो पना रहा तो रात के सो समय अरंडी को तेल और शहद आँखन में डालने से आँखन की सफेदी बढ़ाते हैं अगर कोई लाल होती भी होती है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें प्रयोग करिए तो वैद्य से पूछ पाछ के करिए, हमसे आगे फिर फोन लगा के हमसे पूछ लीजिए क्यों देखिए आँखें फोले सोचू और फिर हमें कहा चुगली बाबा ने अच्छे होता आँखें फुलवा दिए मैं। लेकिन जो छोटे अच्छे प्रयोग हम तो कहते छोटी छोटी नेत्र बिंदु मिले थे आश्रम बापू के आश्रम में और रामदेव बाबा कहते हैं आँख को मिले थे दिव्य ज्योति कौन आउट उनकी ड्रॉप आउट अगर बेई डाल लो तो आदमी इनकी चीज़ें ठीक हो जाती। सवेरे से उठ के मुँह में पानी को कुल्ला भरो ठंडे पानी से आँख धोवे से भी नेत्र ज्योति बढ़ाते हैं। इसके अलावा घास पे अगर हम पैदल चल रहे सवेरे से तो अभी नेत्र ज्योति बढ़ाते हैं और अगर हरे पर्दा घर में डाल दो हरे वातावरण में हम रह रहे हैं तो अभी नेत्र ज्योति बढ़ते हैं। एक जा बहुत अच्छी अपने आप में चीज़ है प्रयोग है। आँखन में अगर कोई ललामी आउत लाल माउत है तो ऊके लाने भी है पहला प्रयोग आंवला के पानी में
आंखन से धोबे से आंखन में जो आंधे बोरा लाल लाल माटा की हो जाए, बस सफ़ेद ही बदल जाए, अच्छी झक सबाक आँख हो जाती। और बच्चन के लिए तो जो है कि भैया बचपन ही से काजल लगाओ, आजकल डॉक्टर ससुर जी ने मना कर दे कि बच्चन के काजल ना लगाओ, लेकिन जब हमारी दादी नानी अम्मा बाबू डकरियाँ आने आती जब भैया घर में काजल पारो करती और बच्चन के लगाती ना तो नज़र लगती वो आँखें ही उनकी अच्छी आती। लेकिन अब शौक हो गया कि आदि इनकी आँखें फुरवा ले रहे। तो जे कई प्रकार के रोग हैं आँखन के, कालोपन भी हो जाता आदमी इनके अंदर। तो काले हिस्सा में सरसों के तेल की मालिश करवे से और सूखे आंवला मिश्री को चूरन समान मात्रा में लेके 1 से 5 ग्राम तक सुबह शाम पानी की संग लेवे से आंखन के पास जो डार्क सर्कल का था वे खत्म हो जाते जो है। कुल इतने प्रयोग हैं कि अगर सोचें तो भैया आदि करना पे हम बताते रहे भी। तो भैया जी हम चीज़ें हैं कि आँख हैं सबसे हिफाजत वाली चीज़ है, अगर इनकी हिफाजत करो कासे ही में अगर एक तिनका भी धूल को कण आ जाए तो आदमी फट पड़त के जाने चैन नहीं पर तलब जा। तो आँखें अगर सुरक्षित रखो तो दुनिया देख पे हो, नहीं तो आंधे तो हो नहीं है। कैसे शुगर की बीमारी हो रही आदमी के और बीमारी हो रही आँखन की, इसे कि मोबाइल 100-100 घंटा तक आदमी ऐसे लगाना था आँखों में और इतने दूर से शुरू कर दो ऐसो पास ऐसो हल्ला हुआ आदमी के टिप नहीं रहो आदमी इनके आँखें फोड़ ले रहो। सो ये पहलो हमें यही उपाय बताओ कि पहला रोग जो है आँखन के अगर रोग है तो ये उपाय करो। हम लगातार बताते रहे भी और मिल भी। राम राम भैया, विदा ले रहे, जय राम जी की।